कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने युहादी भाईचारे बारे कहा कि शब्द की समाप्ति ते कैनेडा ते दुनिया भर के युहादी भाईचारा पसाह की शुरुआत करेगा। उन्होंने कहा कि भावे के साल के 8 दिनों के जश्न विश्वव्यापी कोविड-19 महामारी कारण वखरे होंगे, पर इजराइलियां तो असी मुश्किल का सामना करते हुए ताकत ते दृढ़ता की कहानी तो प्रेरित होंदे रहने आ, खासकर जिवें कि असी कोविड-19 नाल लड़न लई हर चीज कर रहे हैं। पीढ़ियां तो युहादी कैनेडियन ने देश नूं होर मजबूत ते लचकीला बनाउण विच सहायता कीती है। पिछले साल उन्हां विचों बहुतियां ने मुख लीहां ते काम कीता ते अपने गुआंढियां ते कम्युनिटीज नूं महामारी वल्लों लियांदियां चुनौतियां दा सामना करन विच सहायता कीती। नाल ही उन्हां कहा कि असीं सिर्फ इकट्ठे हो के सब लई इक सुरक्षित ते वधेरे संतुलित विश्व बना सकते हैं। इस तो इलावा उन्हें कैनेडा वासियों ते दुनिया भर विच पसाह दा त्यौहार मनाउण लई शुभकामनावां दित्तियां ते अगले साल त्यौहार इकट्ठे मनाउण दी गल कीती। Tomorrow evening, Jewish communities across Canada and around the world will celebrate the start of Passover. This is a time for families and friends to gather around the Seder table, to share foods like matzah and maror, drink wine and read from the Haggadah, and reflect on the story of the Exodus. Sophie and I wish everyone celebrating a joyful and happy Passover. Stay safe and healthy, everyone, and next year we will celebrate together. Bureau Report, Channel Punjabi. ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।